नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज किचन। आज का मेरा रेसिपी है बैगन से। बैगन से आप भरता तो बनाते हो, लेकिन मैं आज उसी भरता को बनाऊंगी एक स्पेशल टाइप का। ये डिश मेरे सासू माँ का है। सासू माँ बनाया करती थी और हमें खाने में बहुत मज़ा आता था, तो मैंने सोचा इस डिश को आपके साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए और आप भी इसका मज़ा लें। और मिल बट के खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो चलिए बनाते हैं सिराजी बैंगन भरता। सिराजी बैंगन भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़ा साइज का बैंगन लिया है। इसे पहले हम बॉईल करेंगे, हम इन्हें रोस्ट नहीं करेंगे। बैंगन को बॉईल करने के लिए एक बड़ा सा पैन में पानी ले लिया है, इसमें पहले उबाल आने देंगे। आप चाहे तो इसे कुकर में एक सीटी लगा के भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन कुकर में इसे बॉईल करने से ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। पानी में उबाल आ गया है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और अब इसमें डालेंगे बैंगन। बैंगन थोड़ा हल्का होता है इसलिए ये पानी में डूबेगा नहीं, तो हम इसे पानी में रखते ही इसे ढक देंगे। जब तक ये बैंगन प्रॉपरली कुक न हो जाए तब तक हम ढक्कन खोल के इसे उलट पलट करते हुए इसे नरम होने तक कुक कर लेंगे। बैंगन पकते हुए 15-20 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन निकाल के देखेंगे बैंगन पूरी तरह नरम हो गया है कि नहीं। बैंगन अच्छी तरह नरम हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इस बैंगन को अब हम पूरी तरह ठंडा होने देंगे। इसे अब हम इस छलनी के ऊपर रख लेंगे ताकि इसके अंदर में जो भी पानी है वो सारा निकल जाए। बैंगन में जितना पानी बचा था वो निकल गया है और इसे अब टच करने लायक ठंडा हो गया है, तो हम इसका छिलका निकाल लेंगे। बैंगन का छिलका तो निकाल लिया है, लेकिन इस सिराजी भरता के लिए बैंगन का बीज को भी हम निकाल लेंगे। इससे ये भरता बहुत अच्छा बनता है। बैंगन का छिलका और बीज दोनों निकल चुका है, अब हम इसे साइड करके रखेंगे और इसका नेक्स्ट प्रोसेस का प्रिपेयर करेंगे। सिराजी भरता बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज और टमाटर। यहाँ मैंने एक बड़ा साइज का प्याज लिया है, छोटा छोटा पीस किया हुआ, और एक टमाटर भी लिया है बड़ा साइज का, इसे भी मैंने छोटा छोटा पीस कर लिया है। और लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, चॉप्ड हरी मिर्च 1 टेबलस्पून और धनिया पत्ता मुट्ठी भर। और छौंक लगाने के लिए लिया है 1 तेज़पत्ता, जीरा और हींग। सिराजी भरता बनाने के लिए पहले डालेंगे कढ़ाई में 3-4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म हो जाए तो उसमें पहले डालेंगे 1 तेज़पत्ता, फिर डालेंगे जीरा। और जीरा थोड़ा चटकने लगे और इसका कलर में भी थोड़ा चेंज आ जाए तो हम इसमें डालेंगे हींग। ये सभी चीज़ें भुनने का एक महक आने लगे और इसका कलर में भी थोड़ा चेंज हो जाए तो हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हल्का सा भुन जाए और इसका कलर में भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाए तो हम इसमें मिलाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज 1-2 मिनट भूनते हुए इसका कलर में चेंज होने लगा है,
तो हम इसमें मिलाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट को भी हम प्याज के साथ इसका कच्चा स्मेल जाने तक भूनेंगे। अदरक लहसुन प्याज के साथ भूनते हुए इसका कच्चा स्मेल चला गया है, तो हम इसमें अब मिलाएंगे कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को 30 सेकंड के लिए चला लेंगे, फिर इसमें मिलाएंगे टमाटर। टमाटर को भी हम लो फ्लेम में इसका नरम होने तक इसे भूनेंगे। टमाटर जल्दी गल जाए इसलिए हम इसे ढक के 1-2 मिनट पकाएंगे। टमाटर नरम हो रहा है तब तक हम बैंगन को रेडी कर लेंगे। बैंगन को मैश करने के लिए पहले हम इसका डंठल को काट के निकाल लेंगे, फिर हम इसे एक बड़ा सा बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे चम्मच की सहायता से इसे मैश करेंगे। बैंगन मैश हो गया है तो इसे हम अब साइड करके रखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ मैंने लिया है कुछ ड्राई मसाले। इन ड्राई मसाले में है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, सभी 1/2 टीस्पून है। टमाटर 2-3 मिनट पकते हुए इसको मैंने बीच बीच में ढक्कन खोल के चला लिया था, नहीं तो टमाटर नीचे से जल सकता था। प्याज और टमाटर ढक के 2-3 मिनट कुक होने के बाद टमाटर गल चुका है और अब हम इसमें मिलाएंगे सारे मसाले। इन सूखे मसालों को प्याज टमाटर में मिक्स करेंगे और इन्हें कुछ देर के लिए भूनेंगे। मसालों को भूनते वक्त मैंने कोई पानी नहीं मिलाया है, इस टमाटर का पानी से ही ये मसाला भून चुका है। अब इसमें मिलाते हैं बैंगन। मसाले के साथ बैंगन को लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे और इसका पानी को भी हम सुखा लेंगे। सिराजी बैंगन भरता का खासियत यही है कि इसमें अंडा भी मिलाया जाता है। मैंने यहाँ लिया है बॉईल किया हुआ 3 अंडा। इन अंडों को पहले हम छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेंगे। अंडों को हम इस तरह का साइज में काटेंगे। तीनों अंडों को मैंने पीस कर लिया है और इसके साथ जाएगा कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स। इनमें है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून और इसमें जाएगा घी फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून। बैंगन को कुक करते हुए इसका सारा पानी सूख गया है, तो अब हम इसमें मिलाएंगे इन सारी इंग्रेडिएंट्स को। इन सभी को आप बैंगन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे सिराजी बैंगन भरता का खास इंग्रेडिएंट अंडा। इस अंडे के कारण ही ये सिराजी बैंगन भरता का टेस्ट रेगुलर बैंगन भरता का टेस्ट से एकदम हटके है। अब इस बैंगन भरता के साथ अंडे को हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे ताकि अंडा टूट न जाए। सिराजी बैंगन भरता ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता का फ्रेश फ्लेवर। धनिया पत्ता का फ्रेशनेस से हमारा सिराजी भरता और भी खुशबूदार बन चुका है, तो धनिया पत्ता को मिक्स कर लेते हैं भरता के साथ और भरता सर्व होने के लिए रेडी है। तो चलिए भरता को हम सर्व करते हैं। बैंगन का सिराजी भरता मैंने सर्व कर लिया है। इसे गार्निश किया है स्लाइस किया हुआ अंडे से और हम ऊपर से रखते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसे आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा।